कितना जबरदस्त इसमें कारीगरी है। और ये देखिए कितना मस्त पार्क है, छोटा सा पार्क है। आगे ये जो दिख रहा है ये बाराबंकी स्टेडियम है, ठीक है। तो हाय दोस्तों, कैसे हो? और एक आज नई सुबह नई ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज जा रहा हूँ, बहुत सारा सफ़र है, तो प्लीज़ आप वीडियो में जुड़े रहिए। और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, देखिए मैं अभी रास्ते में ही हूँ, तो चलिए मैं वहाँ जाके फिर आपको बताता हूँ कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। आगे देखते रहिए वीडियो। तो गाइज ये जो दिख रहा है ये नेहरू इंडोर स्टेडियम है, ये कटक में है, ठीक बाराबंकी स्टेडियम से थोड़े ही दूर में है। तो दोस्तों ये रहा बाराबंकी स्टेडियम और इसके पास में ही एक पार्क है और वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो गाइज फाइनली हम लोग बाराबंकी पहुँच चुके हैं, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ये है बाराबंकी फोर्ट है। मुझे लगा यहाँ पे कुछ और भी होगा, लेकिन ये जो फोर्ट है सिर्फ इतना ही है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, जैसे पार्क वगैरह हो गया और भी जो आपको आगे देखने मिलेगा वो बहुत सारा वो चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। तो वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ है, एक है पार्क और एक है दूसरा मज़ार। तो मैं सोच रहा हूँ इस दोनों को कवर करने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ, तो मैं सोचा पहले यहाँ पे एक पार्क है और एक मज़ार है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे पहले घूम लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं पार्क को। पहले यहाँ देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पे एक मज़ार है जो हज़रत सैयद अली शाहिद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है और ये बहुत खूबसूरत है। इसको कारीगरी देखिए, आई थिंक ये मार्बल से पूरा इसका ये हुआ है, कितना ज़बरदस्त इसमें कारीगरी है। और इसके सामने ठीक एक पार्क है जो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं चाचा से बात कर रहा था, तो यहाँ पे अक्सर जुमेरात के दिन ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है। और पीछे आई थिंक एक तालाब के जैसा है और ये अंदर का नज़ारा ये है। तो इसको ये करने के बाद मैं फिर चलता हूँ पार्क में। आप वीडियो देखते रहिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़ार में ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि थर्सडे में जैसे कि लोग ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मैं एक बार पार्क को चलते हैं, पार्क में देखते हैं क्या है वहाँ पे। और यहाँ पे ठीक सामने इसके ही एक पार्क है, ये एक्चुअली मुझे आने में बहुत लंबा टाइम लगा, 2 घंटे लग गए हमारे घर से, क्योंकि 70-80 किलोमीटर्स के करीब करीब है ये। और ये पार्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी एक भी बंदा नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लोग अक्सर शाम को आते हैं घूमने के लिए, तो शाम के लिए ज़्यादा बेहतर अच्छा रहता है। तो मैंने आया सोचा कि मैं यहाँ का एक वीडियो बना लेता हूँ। इतना खूबसूरत सा छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऊपर क्या है ऊपर भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो आगे चलिए। ये देखिए कितना मस्त पार्क है, छोटा सा पार्क है, आप फैमिली फ्रेंड के साथ आओ यहाँ पे घूमने के लिए भी। और एक तो अभी भी गर्मी है लेकिन यहाँ अंदर आओ तो गच के छाँव में इतना सुकून मिलता है ना। ये पार्क एक्चुअली कटक में है, कटक आपने सुना होगा, बाराबंकी स्टेडियम के लिए फेमस है। तो आगे देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं ऊपर जान के आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो जैसे आपको पता ही होगा। और मैं आगे भी बहुत सारा वीडियो अभी लेके आने वाला हूँ, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, क्योंकि अभी बारिश की वजह से ज़्यादा बाहर जा नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत सारा आउट ऑफ स्टेट भी जाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मौसम अगर साफ़ हो जाए तो मैं चलता हूँ। ये पार्क अंदर वहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ पे शायद पहले कुछ पुराना किला या वगैरह कुछ था यहाँ पे जो टूट चुका है अभी। इसका ये फाउंडेशन आप देख सकते हो,
और ये ऊपर का नजारा है। तो चलिए मैं एक बार आपको ऊपर लेके चलता हूँ, देखते हैं फिर क्या है वहाँ पे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। एक बार आपको ऊपर से नजारा दिखा देता हूँ, बहुत शानदार पार्क है और धूप भी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो फाइनली मैं ऊपर आ गया और ये देखिए, देखते हैं पीछे क्या है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे एक मस्जिद है, वो दिख रहा होगा आपको। और ये एक फाउंडेशन है, ये भी टूटा हुआ फाउंडेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इस तरह का कुछ दिख रहा है। ये आई थिंक इस कुछ साल पहले यहाँ पे ऊपर कुछ हुआ होगा, मतलब कुछ घर या कुछ वगैरह वगैरह कुछ होगा तो वो टूट चुका है। और सेम यहाँ का भी नीचे का कंडीशन भी आप यही देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त फाउंडेशन है लेकिन ये सब टूट चुका है। सॉरी गाइज, मैं थक चुका हूँ इतना ऊपर चढ़ के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए। तो मैं आपको एक बार ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, तो ये पुराना बहुत बड़ा कुछ किला होगा जो अभी फ़िलहाल टूट चुका है। तो ये गाइज आप देख सकते हैं, ये तो मुझे ऊपर भी पार्क के जैसा लग रहा है, घास वगैरह अभी भी इसमें बरकरार है और ये फूल का गच यहाँ पे। और ये ठीक सामने ये जो दिख रहा है, ये नेहरू पार्क है, सॉरी नेहरू स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। और ये शानदार व्यू यहाँ से देखिए। और आगे ये जो दिख रहा है, ये बाराबटी स्टेडियम है, ठीक है, उसका लाइट आपको दिख रहा होगा। और ये मस्जिद है। तो गाइज़ ये पुराने सब चीज़ हैं जो अब तक आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि टेक केयर भी नहीं है और हर चीज़ का एक एक्सपायर होता है। तो आहिस्ते आहिस्ते जो पुराने किले वगैरह सब थे वो टूट रहे हैं, तो इसलिए अब इतिहास कुछ दिन के बाद रहेगा और कुछ दिन के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। तो गाइज़ चलिए मैं नीचे चलते हैं, नीचे क्या क्या है वो देखता हूँ मैं आपको। ये कुछ ऐसे दिखता है यहाँ से। जो पीछे का नज़ारा है यहाँ पे, ये मज़ार है, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा सा तालाब है और तालाब के पास में ही ठीक एक मज़ार है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने सोचा गाइज़ कि छोटा सा एक ब्लॉग बना लूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी और भी मैं बहुत जगह जाने वाला हूँ जो वीडियो आपको आएगा एक एक करके। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी बहुत जगह जाना है जो बहुत अभी इन्जॉयमेंट आने वाला है आगे। तो गाइज़ आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.